ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष सीधी से बातचीत के कुछ अंश हैं, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? जी, हम ये कहेंगे कि ये जो भी है, मतलब सब ये रॉन्ग है, अफवाह है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी हमारी उनसे मुलाकात उत्कर्ष भैया ने करवाया था, तो मतलब उसके थ्रू हमें इनको मतलब रिलेशन पता चला, क्योंकि ये चौहान हैं बट हम गहरवार हैं, तो ये काफ़ी मतलब हमारा बहुत हेल्प कर रहे थे। हमारा डाइबोस का केस चल रहा था तो ये जी काफ़ी मतलब काफ़ी हेल्प कर रहे थे हमारा, मतलब पूछ रहे थे, काफ़ी सुलह करवाने की भी कोशिश की कि आप लोग का क्या मैटर था वगैरह वगैरह, लेकिन मेरी फैमिली मतलब मैटर था तो हम लोग एक नहीं हो सकते थे। इस वजह से फिर मैंने इनसे बताया कि हम लोग मतलब ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि हम लोग एक नहीं हो सकते हैं। तो इन्होंने बोला फिर आप क्या चाहते हो? मैंने बोला एक्चुअली मैं फिर डाइवोर्स चाहती हूँ। इन्होंने बोला ठीक है, फिर आप डाइवोर्स मतलब डाइवोर्स के लिए उन्होंने फोटो वोटो वगैरह वगैरह जो वीडियो मतलब जो रिकॉर्डिंग आप लोग मतलब रिकॉर्डिंग जो वायरल हुआ है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं मतलब जो कि अलग अलग ध्रुव करके मतलब ऐसे ज्वाइंट किया गया है जैसे वो रियल पता चले, मतलब कि ऐसे बातें हुई है बट ऐसी कुछ बातें थी नहीं, मतलब जिस मैटर से ऐसी बात हुई थी। जी, जो वीडियो जारी किया गया है उसमें इस तरह का साबित किया जा रहा है कि आपके उनके बीच में कुछ बातें हुई हो, जैसे प्रेम प्रसंग की तरह हो, और लोग उसको वायरल कर रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं। इसके पीछे क्या मकसद है लोगों का? आपका वीडियो इनके पास कैसे चला आया? क्यों लोग चला रहे हैं इसको? देखिए एक्चुअली ये तो हम मानते हैं कि हमारे फ़ोन से ही वो हुआ है, बट मेरा फ़ोन एक्चुअली क्या है कि गुम हो चुका था, और मेरी इनसे बातें हुई थी, ये बात तो सही है, काफ़ी मतलब रिलेशन है तो फिर जाहिर सी बात है बातें होगी, बिल्कुल लेकिन जिस टॉपिक पे मतलब जैसी ये रिकॉर्डिंग है उस हिसाब से ये बातें नहीं थी। इसमें से कुछ बातें थी जो हुई थी, कुछ बातें ऐसी थी कि जो नहीं हुई थी, उसको मतलब कि एक साइड में जोड़ दिया गया है। काफ़ी ऐसी बातें थी जो अलग अलग टाइप की थी लेकिन एक दूसरे में जोड़ दिया गया है, तो ऐसी कुछ कोई बातें ही नहीं थी। ये तो मुझे अभी कुछ टाइम क्या पहले क्या लगता है आपने, किसके द्वारा यह बाल किया जा रहा है? क्यों, उसका क्या उद्देश्य है सब बाल करने का? अभी फिलहाल तो ये है कि उनकी इमेज के लिए ये सब किया जा रहा है, उनको नीचे गिराने के लिए किया जा रहा क्या है। आपने इस मामले की शिकायत की थी जी कभी, बिल्कुल नहीं किए हैं, वही या तो हम आपको इस ऑडियो से या उनसे कोई किसी हमें तरीके की कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है, हमें क्यों उनसे दिक्कत होगी? और हमने बिल्कुल किस मतलब ये जाहिर करने से पहले मुझसे पूछा कि उन्हें गया, क्या मैंने बोला है? मैंने तो किसी से बोला नहीं है। तो आइडियो आपके और उनके बीच हुई ऑडियो का दुरुपयोग किया जा रहा है, यदि आप लोगों को इसमें षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, तो क्या इस पर आप लोग कोई प्रकरण कायम कराएंगे, पुलिस के पास जी जाएंगे? बिल्कुल कराएंगे, इस पे एक्शन लेंगे, क्योंकि आप लोग मीडिया वाले हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोग कुछ भी कर देंगे भाई। इसमें मतलब कि ये मेरा मैटर है, मैं अगर चाहूँ तो करूंगी ना। लेकिन आपके फोन से वो कैसे वायरल हुआ, मेरा कैसे, फोन ही गुम हो गया, कब तो गुम हुआ? फोन गुम तो हो गया, मैं यही सीधी में थी और उस टाइम पे काफी क्या आपने रिपोर्ट, टाइम पहले क्या रिपोर्ट लिखवाई फोन गुम होने मुझे की? यहाँ रहना ही नहीं था तो मैं रिपोर्ट क्यों लिखवाती ना, मुझे रहना था, मुझे फोन की जरूरत थी, नहीं तो ये तो मालूम हो सकता था कि मिसयूज उसका हो सकता है। तो मुझे ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था कि मेरे फोन में ऐसा कुछ है। हाँ रिकॉर्डिंग था वहाँ, वो रिकॉर्डिंग कहाँ कहाँ था, गुमा हुआ था, कैसे गुम गया ये था? बड़ैनिया में हुआ था, वहाँ पे थे मतलब काफी चीजें गायब हो चुकी थी वहाँ से मेरी, जी, तो कितनी एक क्या ही ऐसी आपके रिकॉर्डिंग ससुराल मिली। वालों ने कोई षड्यंत्र रचा ऐसा आपको लगता है? जी नहीं, ससुराल वालों को तो पता भी नहीं था हम किस जगह पे हैं, तो तो ससुराल वाले फिलहाल नहीं आए। आपसे कौन कनेक्टेड था जो आपके पीछे ऐसा षड्यंत्र रच रहा था? मेरे से कनेक्टेड काफी लोग नहीं थे लेकिन कुछ लोग थे जो कि उत्कर्ष भैया लोग थे वगैरह वगैरह, बाकी और तो कोई भी नहीं था। ये उत्कर्ष आप कौन क्या है, आप कौन लोगों उत्कर्ष के कौन बीच है? मजाक का रिश्ता है? जी हाँ, भाई हम लोग क्या है मतलब ऐसा थोड़ी कि मजाक भी नहीं कर सकते हैं, वो चौहान है मैं गहरवार हूँ, तो मजाक मस्ती तो चलती ही रहती है। नहीं, तो ठीक है, रिश्ते जातिवाद से कोई रिश्ते हैं ऐसा, तो कोई रिश्ता रिश्ते है हैं आपका, अभी भाई बहुत, भाभी का, जीजा का, या बहनोई का, ऐसा तो कोई रिश्ता फिलहाल है? यहाँ से जीजा ही तो लगेंगे, वो बता तो रहे, बहुत सारे ऐसे रिलेशन है जो कि अभी यहाँ से ये चौहान है, हम लोग की शादी चौहानों में ही होती ही है, तो लेकिन जिस उनसे समय आप बहुत बात कर सारे रहे थे, जिस समय बात कर रहे थे उस समय शुरू में तो हमें नहीं पता था, शुरू में जो वो जो मतलब दूसरी वाली रिकॉर्डिंग है, जब इन्होंने कॉल किया था बोले हम इंसान सिंह चौहान बोल रहे हैं, वो जो रिकॉर्डिंग थी वो पहली रिकॉर्डिंग थी, फर्स्ट दिन हमसे इनसे बात हुई थी तो हम इनको नहीं जानते थे, उसके बाद उसके थ्रू हमें पता चला कि हाँ इनको हम जानते हैं। क्या आपके लगता जीजा है जी, आपको कि आपके बीच जो हुआ हंसी मजाक की जी बातें हंसी हुई मजाक, उसका जी आप दुरुपयोग किया जा रहा है? जी हाँ लग रहा है कि क्योंकि अभी हमारा वो मेरा पर्सनल मैटर है, ठीक है, मैंने क्या बात किया है क्या नहीं किया वो मेरा मैटर तो है। जिसने वायरल किया उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज जी करेंगे? बिल्कुल करेंगे, ठीक क्यों है, नहीं थैंक यू करेंगे। थैंक यू। क्या नाम है आपका? इश्निया सिंह गरवा, निश्चित रूप से आप सब जानना चाहते हैं कि जो ऑडियो वायरल हुआ उसमें हम कहना क्या चाहते हैं।
तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि सोनांचल महोत्सव के जरिए आप सबके सौजन्य से, सहयोग से, जनता के सहयोग से जिस प्रकार कार्यक्रम को गति मिली, सफलता मिली और हम सबने मिलकर के जो बघेली पीठ की मान्यता के लिए मांग रखी, तो अध्यात्म और संस्कृत विभाग के मंत्री, कैबिनेट मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी ने जो बघेली पीठ की मान्यता की अनुमति प्रदान की और इतने बड़े कार्यक्रम की सफलता को देखकर हमारे राजनीतिक विरोधी भौं तान लिए, उनकी भौहें चढ़ गई मेरे ऊपर और मुझे निशाने पर टारगेट किया। इस जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें दो तीन चीज़ें मुझे कहनी है। एक तो मुझे ये कहना है कि उस ऑडियो में मुझे ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे मैं कहाँ का खलनायक हूँ, ठीक, कि भाजपा जिला अध्यक्ष की देखिए करतूत और बेसहारा महिला का माने कर रहे दुरुपयोग या शोषण, ऐसा कुछ शब्द है, ठीक। सबसे बड़ी बात है कि आप सबसे मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जिन लोगों ने ऑडियो वायरल किया, क्या उन लोगों ने उस महिला से पूछा कि क्या उसने कहीं शिकायत की है, क्या थाना में पुलिस अधीक्षक के वहाँ या किसी पत्रकार वार्ता में वो महिला आई? अगर महिला नहीं आई तो ऑडियो वायरल करने का अधिकार कैसे है, ठीक। किसी की निजता भंग करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम एक सामाजिक प्राणी भी हैं, हम केवल अध्यक्ष नहीं हैं, और सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारे बहुत सारे लोगों से, किसी से भाई का संबंध है, किसी से मित्र का, किसी से चाचा का, किसी से बब्बा का और किसी से अन्य बहुत सारे भाभी का, चाची का, माता का और सारे बहुत सारे संबंध हैं हमारे। इसी प्रकार जिससे मेरी बात हो रही है वह मेरे पास पहले आई।